अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैर खैरियत से हो। तो दोस्तों अभी आया हूँ मैं स्कूल से, आते साथ मैं बैग रखा और छत पे आ गया हूँ, क्योंकि छत हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। तो अभी हमने छत की सारी सफाई करनी है, झाड़ू में ले आए हो तो सफाई करके और फिर मैं आपको सफाई करते, उसके बाद हमने इनको दाना वगैरह भी डालना है। अभी वैसे इनको मैंने दाना डाला था तो पापा भी आए हुए थे, पापा ने भी इनको फुल पेड़ करवा दिया है, इनको दाना वगैरह खिलाया था, लेकिन दाना जो था ना ख़त्म हो गया था स्कूल से आते वक्त। मैं दाना ले आया हूँ, ये पड़ा हुआ। और अभी हम सबसे पहले इनकी सारी छत की सफाई करते हैं, आपके सामने देखिए क्या बिखरा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो गंद भी हमसे ही डलता है, अब ये खुद इनका तो कोई सामान है नहीं, सामान सारा हमारा है, लेकिन ये जो इनको नीचे से ये पत्ते वगैरह डाल देते उनकी गंदगी ज़्यादा होती है। तो सफाई करते हैं और फिर आपको बाकी सारी अपडेट देता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं सफाई, और उससे पहले जिस भाई ने मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और चैनल को आगे शेयर भी कर दिया करे यार, वीडियो को शेयर भी कर दिया करे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और शेयर भी कर दे। अभी हम करते हैं सफाई। तो भाई साहब सारी सफाई हो गई है, सिर्फ ये अभी एक गंद इसके डस्टबिन के अंदर डालना है, और ये थोड़ा सा सामान है इनकी सेटिंग करनी है एक जगह पर, ये भी अभी हो जाना है, अभी इसको हमने कर देना है एक चुटकी में। तो यार सफाई हो गई, अभी हमने एक चुटकी बजाई होगी, अभी सिर्फ ये रह गया, इसको भी हमने एक चुटकी में कर लेना है। तो यार ये भी हो गया, सारा काम साफ हो गया, ये सफाई काफी मतलब सारी सफाई हो गई है हमारी, ठीक है। और अब हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम कपड़े भी चेंज कर लेते, फिर साफ़ सुथरा हो गए, फिर भी लोग बनाएंगे और बाकी सारी चीज़ों की अपडेट देते हैं आपको। और कल संडे है तो कल हम नेस्टिंग ज़रूर लेकर आएंगे, कल भाई पक्का नेस्टिंग लेकर आनी हमने, ठीक है। और दोस्तों आप सोच रहे होगे मैंने वर्दी पहन के क्यों सफाई कर, गंदी हो जाएगी, तो कल संडे था मैं, अब गंदी तो होनी होनी, धोनी तो है, तो इस वजह से मैंने कहा ऐसे ही कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, वो भी हमने अभी ऐसे कर लेनी एक चुटकी के अंदर। तो ये गई, और यार कपड़े भी हमने चेंज कर लिए हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या, अभी हम ना इनको दाना डालते हैं, ये मेरी तरफ ही देख रहे हैं, इनको हम दाना पानी डाल देते हैं। तो एक साइड में दाना डाल देता हूँ, क्योंकि अभी वो बैंडम भी आएगी ना, इसको फिर मारेगी बड़े वाले मुर्गे को। तो दोस्तों वो बैंडम आ रही है, तो आते साथ ही इन्होंने इधर दाना खाने लग जाते, तो इसको हम कर देते हैं बंद। तो डब को भी दाना डाला हुआ, पानी भी है डब के पास, तो इनको भी पानी दे ही देना है, इनके लिए मेडिसिन लानी है, क्योंकि ये इतना सर्दी की वजह से थोड़े से ना ढीले से बीमार से हुए हैं, तो इनको मेडिसिन डालूंगा ना फिर इनको पानी पिलाऊंगा, अभी ये सिर्फ दाना खाएंगे। जो प्रिंते ना दाना पानी खा गए, और इसका तो मुझे लगता है पेट फुल हो गया, ये यहाँ पे बैठ गया, तो पेट पूजा कर रहे हैं। और ना इनमें से एक हमारा वो जो सराजी है ये थोड़ा सा बीमार है, और माड़ी है ये ब्लैक वाली बैंडम, इनके लिए मेडिसिन लानी, एक दफ़ा सबको डाल दूँगा यहाँ पे, तो मेडिसिन डालेंगे। उसके बाद हमारा ये डव का जो बेबी है ना, ये इस
इसकी काफ़ी हालत जो है ख़राब हुई है, इसके काफ़ी हद तक जो चेहरा है ना ख़राब हुआ है। इसका तो मैं कुछ भी नहीं इलाज कर सकता अभी, भले जी इसका क्या इलाज कर लें तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो मच्छरों ने काटा ना जिसकी वजह से जहर बाद हो गए। बाकी हमारे जो जितने बैड दूसरे बैड हैं इनके पास भी तो मच्छर होते हैं, लेकिन इनको नहीं काटते मच्छर, बच्चे को काटा तो उसका काफ़ी नुकसान हो गया। दोस्तों मैं आप सबको बता दूँ, ये जो मैं चुटकियाँ बजा बजा के लगा हुआ ना, ये सिर्फ एक चुटकी में नहीं होता। आप लोगों ने तो वीडियो में देखना होता आपको लगता है जैसे अभी ऐसे कर ली है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगा है सफाई करने में भी, ये सारा गन समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। आप लोगों ने तो बस चुप करके लेट के देखनी होती है वीडियो, लेकिन ये इतना नहीं कर सकते बैठे बैठे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बड़ी मेहनत लगती है। पहले सारी सफाई की, फिर सारा सामान उठाया, फिर इनकी हिफाजत भी कर ली, तो यार कर दिया करो। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहाँ तक ही था, उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।